बारिश के चलते हवाई यातायात भी प्रभावित हो गया है। टुमने एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने की वजह से दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया, तो वहीं जबलपुर से जाने वाली फ्लाइट भी प्रभावित रही और यात्री परेशान होते रहे। डुमना एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित रहीं और दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट को डायवर्ट करते हुए बनारस और लखनऊ में उतारा गया है। एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। पौने 10 बजे से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये बॉम्बे से आने वाली फ्लाइट स्पाइस जेट की, और यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली की फ्लाइट का भी इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ दिल्ली की फ्लाइट वालों का तो बताया गया कि ये डायवर्ट होके इसको बनारस लैंड कर दिया उनने, और बॉम्बे की जो फ्लाइट है वो उसका बता रहे हैं कि शायद लखनऊ उसको डाइवर्ट किया है। तो लेकिन यहाँ का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तो यहाँ क्लियर जानकारी नहीं देते ये लोग कि कितने समय लगेगा, कहाँ पे है, क्योंकि तो ये बड़ी ऐसी स्थिति है कि पैसेंजर कहाँ पे है, सब उसके लेने आने जाने वाले लोग सब उसके घर घर के लोग सब आए हुए हैं, तो ये बड़ा दिक्कत का समय होता है कि पता करें कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है फ्लाइट। यात्रियों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है।